हेलो जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज मैडम सुबह सुबह बैठ गई है, जूली मैडम, तीनों बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए। तो मैं सोच रहा कि छुट्टी मनाने आए थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है तो यहाँ से पढ़ाई करने आए थे, ट्यूशन में ट्यूशन लग गया। और ये इधर जिया अपनी याद कर रही है, और उधर रीसा रीडिंग कर रही हो। अच्छा, याद करना मैंने गलत बोल रहा था, रीडिंग कर रही है। इधर रीसा ABCD लिखने लगी है अच्छे से और साफ साफ, और एक्स से अनार भी लिखने लगी है, और कन्नू हमारा भी ABCD भी अटका हुआ है, और ABCD भी एच भी, पर कन्नू लिखता बहुत साफ साफ है। कन्नू की राइटिंग बहुत अच्छी है, और कन्नू वो भी ने नाश्ता तैयार कर दिया मेरे जाने के लिए। वो मेरे जाने के बाद में बस यही संभालेगी पूरे घर को, होम मिनिस्टर की तरह, और अब हम तो निकल जाएंगे। माँ ने भी संभाल ली है वानिका को। ये माँ उधर, ये वानिका जो है ना, उन बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही थी, तो उन बच्चों को डिस्टर्ब कर रही थी पढ़ने में, उनकी किताब फाड़ रही थी वानिका। पर वानिका इधर आ गई है अपने वाकर में, और बोली है कि पढ़ो तुम्हें किताबें, हमारे पढ़ने का कोई काम नहीं अभी। और वानिका अपने वाकर में आके दादी के पास में भागा दौड़ी करेगी, और पापा दिख गए तो पापा के पास आएगी। भैया वानिका, वानिका चल दी पापा से मिलने के लिए। पर ये जो फरस है ना, ये ईंटों वाला, इस पर वानिका का वाकर चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है बड़े तरह से। जो माँ का जो बांध रखा है माँ ने रस्सी, ये बहुत दूर तक तो चली जाती है, माँ फिर से खींच के ले आती है अपने पास। ये देखिए, जूली दीदी ने फ्रॉक सिले थे कल, बहुत ही प्यारे प्यारे। एक तो ये व्हाइट कलर का है, इस पर बारीक बारीक सी बुनती है इस टाइप की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। हम वानिका को पहना करके दिखाएंगे। और एक ये वाला फ्रॉक है जो सिला है इन्होंने, ये देखिए, इसमें यहाँ पे व्हाइट पट्टी लगा करके, और ये झबला, झबला ही तो कहते हैं ना मम्मी, पहले झबला कहते थे इसको। हमारी मम्मी ने भी बहुत सारे सूट ऐसे फ्रॉक बना बना करके, अपने सूट में से कपड़े बजाते थे ना उनके, तो ऐसे बना बना करके बनाती थी, बहुत ही प्यारे प्यारे बनाती थी, सेम ऐसे ही। और फिर अभी कान्हा जी को नहलाने का टाइम हो गया है, और सब नहा धो लिए हैं, बस अभी इनको नहलाएंगे, झाड़ू पोछा भी हो गया, सारे काम हो गए हैं। तो कान्हा जी हमारे यहीं पर विराजमान है, मैंने साफ़ सफाई कर दी थी इसकी। और ये देखिए, सबसे पहले भोजन और नाश्ता कान्हा जी को लगाया जाता है, और फिर सबको सर्व कर दिया जाएगा। जिया लगाओ भोग बेटा कान्हा जी को, हल्का सा चाय, चाय इतनी चाय में नहीं हाथ लगाना। इतनी गर्मी में सभी के सभी चाय का आनंद ले रहे हैं, और वानिका ने रस पकड़ रखा है अपना, रस भी है चाय के साथ में, और ये रस छोड़ करके बॉक्स ले रही है। रस अच्छे लगते हैं रिशा? अच्छे लगते हैं आपको रस? रस अच्छे लगते हैं। लड्डू भी छोड़ दिए, मठड़ी भी छोड़ दी, नमकीन भी छोड़ दिए, रस पकड़ लिया सब बच्चों ने आते हैं। ये देखिए, आज मम्मी की साड़ी की तैयारी चल रही है, मम्मी के लिए जूली दीदी साड़ी तैयार करेंगी, तो ये डिसाइड कर रही है कि कौन सी साड़ी तैयार करूं, और प्रिंटेड साड़ी तैयार करती है, ये सिंपल सी जो उनकी मम्मी पहन रही है ये देख रहे हैं। और मेरे लिए भी सूट कह रही है कि तुम भी एक सूट सिलवा लो, काफ़ी दिन हो गए सूट सिलवाया नहीं, लेकिन मेरे पास कुर्ती वगैरह इतनी आ गई, तो मैं सोच रही मना ही करना। तो जूली दीदी फाइनली एक साड़ी है ना समझ में आ गई है, क्रीम से कलर की साड़ी, और ये सिंपल और प्रिंटेड साड़ी है, ये हल्का सा बॉर्डर है इस पर, सील करके लाई है एक, और एक ब्लाउज सील करके लाई है जूली दीदी क्रीम कलर की, और वो चल भी जाएगी। और हमारी वानिका ने आज न्यू ड्रेस पहनी हुई है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी बुआ जी लेकर के आई है, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, वाइट, हाँ बहुत ही अच्छी लग रहा है, कॉटन का फ्रॉक है ये। पानी का अपनी बुआ जी की गोद में जाकर देखो कितनी खुश है। और जिया क्या कह रही थी, ये कह रही थी मम्मा आपका तो रेड रेड सा रंग है, और इसका गोरा गोरा सा रंग है। शाम का खाना बनाने की तैयारी हो गई है, और एक बार फिर से साफ सफाई हो गई, झाड़ू भी लगा दिया सारी जगह में, और चाय के बर्तन सारे के सारे इकट्ठे कर दिए। और आज हमें थोड़ी तबीयत डाउन सी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा, लेकिन पैर में दर्द तो मेरे सुबह के टाइम होता ही है। कल ये कह रहे थे 2nd/4th Saturday में डॉक्टर के यहाँ पे भी जाएंगे, और मुझे दिखा करके बुलाएंगे, तो पैर में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, ये कह रहे थे कि वेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और कितना सारा चूरन लेकर के आए हैं, ये देखिए कितना सारा चूरन, और ये चूरन हम पहले खाते थे बचपन में, अब भी आता है चूरन। कैसे लगा चूरन रिशा? चूरन भी चम्मच से खाया जा रहा, उंगली से होता है इसका टेस्ट अच्छा। उंगली से चाट के चम्मच से लोड़ा,
ये देखो ये चट्टा जा रहा है। ये वानिका को भी चूरन बहुत टेस्टी लग रहा है और चटकारे लगा लगा करके चूरन चट्टा जा रहा है। रोटी तो खाती नहीं है लेकिन चूरन खाया जा रहा है। कैसा लगा आपको? बचपन में खाया था, अब खाया जा रहा। मैं भी चाट के देखूंगी। मैं तो ऐसे लूंगी एक चुटकी। मुझे नहीं, ये तो सारा ही मीठा है। एकदम से दिन छिप गया है और देखे तूफान, तूफान आ रहा है बहुत तेजी से। और तूफान आने से क्या होता है, बस हमारा काम फैल जाता है। झाड़ू लगा दिया सारे को और वानिका भी सो गई है। वानिका के ऊपर चादर डाल दिया क्योंकि धूल मिट्टी ऊपर से बहुत ज़्यादा रहता आता है। इधर के गेट बंद कर दिए, इधर के खुले हुए हैं। और जूली दीदी यहाँ भी अपना मुँह हाथ धो करके आ गई है, बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए है। कन्नू अभी भी खेल रहा है, कन्नू गोल गोल घूम रहा था। ये देखिए जंपिंग, फ्रॉग जंपिंग। बादल भी आ रहा है। कन्नू पापा से अभी बात हुई थी कि ये कह रहे थे कि अभी बारिश हो रही है वहाँ पे जहाँ से मैं चला हूँ, और रुकने का वेट कर रहा था लेकिन रुकी नहीं, तो फिर मैं चल ही दिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं आ रही है। ये देखो सब बाहर ही बैठे हैं अभी भी। और अंशी भी कुछ लिखना सीख रही है। क्या लिखना सीख रहे भाई? कुछ भी नहीं सीख रही, कुछ तो लिख रही थी। ABCD लिख रही थी अंशी। यहाँ पे अभी पड़ोस में बेचने के लिए आ रहा था लीची, और ग्रीन ग्रीन कलर की लीची लेकर के आ गया अभी बोर। ये देखिए, ये देखिए लीची का भंडारा लग गया है अभी। और लीची एकदम फ्रेश निकल रही है, ताजी ताजी लीची। और जिया ने कहा था कि मुझे लीची खानी है, कन्नू ने भी कहा मुझे लीची खानी है। लेकिन जो बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट से डरने लगता है। बहुत खट्टी अंशी बता रहे हैं कि जो लीची है बहुत ही खट्टी है, मीठी नहीं है। और भी बोर कह रहा है कि इतनी भी खट्टी नहीं है। तो कन्नू कैसी लगी लीची? किस किस की फेवरेट है लीची? मेरी और कुछ मेरी। तो इसकी भी लीची फेवरेट है, इसकी भी लीची फेवरेट है। और दीदी आपकी? मेरी भी बहुत फेवरेट है। अच्छा आपको पसंद है लीची, तो सब खा रहे हैं लीची अभी। सारी की सारी खत्म हो गई है, तो रीशा का नंबर आया है अब लीची खाने का। रीशा सारी की सारी लीची तो खत्म ही हो गई, अब आप क्या खाओगे बेटा? ये पढ़ने में रहती है सारा दिन पढ़ने में रहती है, और पढ़ाई की वजह से इसकी लीची हो गई है फिनिश। लीची पार्टी, इसकी आवाज है ना इतनी प्यारी है, हम सुनने को तरसते रहते हैं इसकी आवाज सुनने के लिए। और ये कभी बोलती है बारिश कुछ हल्की हल्की सी आ रही है। और ये बच्चा है जो छिपम छिपाई खेल रहा है कन्नू के साथ में। कन्नू बाहर से आ गया घूम करके छतरी लेकर के। और क्या लेकर के आए हो कन्नू? कुछ नहीं लेकर के आए, कुछ तो लेकर के आए होंगे, खैर ऐसे तो हो नहीं सकता। और इसने पढ़ाई कर ली अपनी सारी की सारी, अभी भी पढ़ रही थी। दिखाना है नहीं कुछ भी। जी भाई साहब बाहर क्यों घूम रहे हो आप? ठंडक लेने के लिए सिर्फ ये बच्चा बाहर घूम रहा है, नहीं तो और सब पंखे के नीचे बैठे। ये देखो पंखा चल रहा है और यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खिचड़ी मूंग की दाल की। और वानिका को भी बहुत पसंद है। वानिका और किलकी क्यों मारी आपने? बिजली कड़की थी इसलिए कन्नू ने किलकी मारी। तो जब बिजली कड़कने से आपको इतना ही डर लगता है तो आप अंदर बैठो ना। बारिश हो रही है, बच्चे अभी यहाँ पे डांस कर रहे थे तो मैंने उनका थोड़ा डांस शूट किया, एक दो शॉट बनाया है। और उसके बाद में भेदड़ी जो है भेदड़ी में तड़का लगा दिया देसी घी में, थोड़ा जीरा डाल के, और उसमें है ना बस और कुछ नहीं डाला है, नमक और हल्दी नहीं डाली बिल्कुल भी। बारिश की वजह से इधर वानिका को भी पूरी बाजू के कपड़े पहना दिए। और ये इस तरीके से ही सोते हैं बच्चे, इनकी है ना आदत पापा ने खराब कर रखी है। ये कह रही थी जूली दीदी टिकी काटी काटी पे घोड़ा। अब जो है बारिश का जो इंजॉयमेंट किया जा रहा है वो ऋषा के द्वारा किया जा रहा है। और वो ले लिया अम्ब्रेला। अब कन्नू भी उसके पास चला गया। अब इनकी दोनों की खिंचातानी होगी और ये कन्नू से शायद जीत ही जाएगा। कन्नू बेटा ऐसा नहीं करते हैं, छोटी बेबी को दे दो, वो आपसे बहुत छोटी है। बैड मैनर्स कन्नू बेटा। बच्चे आजकल पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं, अपनी चीज़ है ना दूसरे बच्चे को देना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसे ही बेटा दे दो थोड़ी देर के लिए। और भी इस बाइक का इंजन करवा के लाया हूँ सही है ना, और फिर रास्ते में बहुत बारिश पड़ रही थी, फिर मैंने एक ये कट्टा लिया, इसमें अपना बैग रख लिया था ठीक है, और फिर निकाल लिया। रेनकोट किसका लिया? ये रेनकोट एक दोस्त का लिया आपने? अपना तो लेकर के जाते नहीं और किसी ना किसी को उठा के ले आते हैं। वानिका यहाँ पे तो बारिश नहीं आई है, देख रही है मुझे दूर से, पापा आ गए हैं, कितनी खुश हो गई है। वानिका पापा जी आ गए, हाँ
पापा को देख के स्माइल अलग ही अच्छा हुए बनने की अभी लूंगा थोड़ी देर में ले लूंगा बस। दर्वेश अभी अपने पापा से बात कर रही है वीडियो कॉल से और ये देखे यहाँ पे कन्नू आते ही बनाना उठा करके खाने लगा, बल्कि अभी अभी खाना खाया है कन्नू बेटा, अभी नहीं खाते। कन्नू पेट में दर्द हो जाएगा बाबू ऐसे तो। अच्छा पेट में दर्द होता है आपको भी, इन्फेक्शन हो जाता है जैसे खाना खाते हैं एकदम से फ्रूट्स खाते हैं ना उसके बाद तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये समझाती रहती हूँ लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा अभी। क्या है ये? रिशा के लिए लाए हो? क्या है ये? यही मांग रही है करी हूं। और वानिका तुम्हारे लिए? ये वानिका के लिए, वानिका तुम्हारे लिए। ये तो एक है ये और रिश्ता ले ली। थैंक यू बोलो बस, वानिका मुझे थैंक यू बोलेगी, एक बार हंसकर दिखाएगी पापा जी। आप बोलो थैंक यू मेरे लिए भी। ये क्या चीज? काजू, काजू की नमकीन। ये काजू ये या कुछ और ही है? ये क्या करा? देखो पापा वाने का तो अभी खाते नहीं, मुझे पता मैं ही खाऊंगा इसको। वाने को नहीं छोड़ना है, देना मत। हां हां इनमें करो।